अब सीधा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा का रुख करते हैं। कि समाज में जो लोग किसी योजना के पात्र हैं या जिनकी ज़रूरतें पूरी होनी है उनको वो योजना पहुंची कि न पहुंची, उससे हम संतुष्टि का भाव लेते हैं। तो आज इसी प्रकार की एक ऐसी योजना जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस योजना के लिए ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। वो योजना का नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया, पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संख्या दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये जो काम किया है इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ ना बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं, परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़कर के लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे, ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की, स्कूल में कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे ये व्यवस्था हमने बनाई, और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सकें ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज इसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम, जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके। और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए दो योजनाएं शुरू की, एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, सांझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है, परिवार पर ज़्यादा वजन न पड़े। हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपये से लेकर के 71,000 रुपये तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है, खास करके जो हमारे BPL परिवार हैं, SC समाज के परिवार हैं उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1,00,000 रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया, अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,000
278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। और इस प्रकार से बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहाँ तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेवारी उस बेटी को मिली और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। हरियाणा की बेटियों की बहुत सी उपलब्धियाँ ये हमको ध्यान में आती हैं। अगर एक एक करके उनका नाम मैं लेता हूँ तो प्रदेश के नाम को रोशन करने वाली हमारी पहली, जैसा मैंने पहले बताया, महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, बहुत बड़ा नाम हुआ, देश और दुनिया में उसने नाम कमाया। इसी प्रकार पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी हरियाणा से बनी। प्रथम महिला BSF में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये भी हरियाणा से बनी। MiG-29 उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन। इसी प्रकार प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी। प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक। प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्र स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट। प्रथम महिला पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक। प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बहन संतोष यादव। प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE रेसलर कविता दलाल। प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़। प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा। और प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण से न केवल अपना परिवार, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। मैं ऐसी सब बेटियों के इस प्रकार के कृतित्व के लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना चलाई है, इस योजना के अंतर्गत भी बेटी अपने बैंक खाते में 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाकखाना में खुलवा सकते हैं। प्रतिवर्ष 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। हमने बेटी के विवाह के समय ये जो योजनाएं पहले बताई हैं वो सब हमने लागू की हैं। यही नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी जो पढ़ाई की फीस है वो भी हमने माफ़ की है। ITI में पढ़ते समय लड़कियों को प्रतिमाह वजीफा ये भी दिया जाता है और बेटियों के 150 किलोमीटर दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा, ये सुविधा भी दी गई है। 211 विशेष महिला बसें पढ़ाई में जाने के लिए छापसु योजना में छात्रा परिवहन सुरक्षा, इस योजना में भी हम चला रहे हैं। हम BPL परिवारों की किशोरी और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना, ये भी हमने उसमें लागू किया है। इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं उनके नन्हे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करती हैं, उनके लिए भी 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन क्रच की व्यवस्था भी कराई गई है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेटियों का सम्मान बढ़े, बेटी हमारी बेटों से पीछे नहीं है, इस प्रकार की योजना में हरियाणा जो है अपना स्थान बनाया है। तो आज मैं इस अवसर पर हमारी बेटी इस के अंतर्गत जो बेटियों को लाभ मिला है, 21,000 रुपया जिन बेटियों के नाम से जमा कराया है, उनके माता पिता से आज मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आपको शुभकामना भी देता हूँ। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ बेटियों के लिए। और तो और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी हमने जो पग उठाए हैं वो भी कम सराहनीय नहीं है। हमने बेटियों की भागीदारी पंचायती राज में 50% की है और इस 50% के कारण से
राजनीति में हमारी बेटियां बहुत आगे आई हैं और इस कारण से पढ़ी लिखी होने के नाते से और बेटियों की संख्या इस भागीदारी को कहीं और उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मैं हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।